भारत की पाकिस्तान पर जीत को लेकर लोगों ने मनाया जश्न। भारतीय क्रिकेट टीम की पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर वर्ल्ड कप में विजयी होने पर कांच की चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद में क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिला। बहुत सारे क्रिकेट प्रेमियों ने अलग अलग जगह दिवाली की तरह आतिशबाजी कर जश्न मनाया, भारत माता की जय के जमकर नारे लगाए। दरअसल वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत कभी भी पाकिस्तान से नहीं हारा है और आज भी ऐसा ही इतिहास रचा गया जब भारत 8वीं बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हरा कर अगले चरण में पहुंच गया। अब यहां लोगों का कहना है कि इस बार हर हालत में भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। जश्न मना रहे हैं आप लोग? आज भारत और पाकिस्तान के मध्य वर्ल्ड कप का मैच अहमदाबाद में खेला जा रहा है, जिसमें कि अभी अभी भारतीय टीम ने बहुत ही शानदार विजय पाकिस्तान के खिलाफ हासिल की है। इस तरीके से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी में मध्य क्रम का बल्लेबाज हो, ओपनर बल्लेबाज हो या गेंदबाजी विभाग हो, स्पिन हो या मीडियम पेसर हो, जिस तरीके से सभी खिलाड़ी एकजुटता के साथ हर मैच में अपनी प्रतिभा के साथ न्याय कर रहे हैं, उससे भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप की प्रबलतम दावेदार होती जा रही है। और हम सब लोग उम्मीद करेंगे कि ये वर्ल्ड कप जो भारत में हो रहा है, उसे भारतीय टीम उठाकर रोहित शर्मा के नेतृत्व में एक बार फिर पुनः वर्ल्ड कप जीते। क्या लगता है कौन जीत रहा है वर्ल्ड कप? इस बार वर्ल्ड कप की प्रबलतम दावेदार भारतीय टीम ही है, भारत ही जीतेगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप वशिष्ठ है। आज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत अच्छी विजय हासिल की है और बहुत ही रोमांचक मैच में जितने भी भारतीय गेंदबाज थे उन्होंने बहुत अच्छा अपना रोल अदा किया। भारत के 5 गेंदबाजों ने मतलब 2-2 विकेट सबने हासिल किए, अपने सबके ने अपना अपना अच्छा अच्छा योगदान दिया और भारतीय कप्तान ने कप्तानी पारी खेल करके और इस मैच को एक तरफा जिताया और आगामी भविष्य में भी जो भी मैच होंगे उम्मीद है कि रोहित शर्मा अपने सभी प्लेयर अपना 100% योगदान देंगे और हिंदुस्तान 2023 विश्व कप पुनः भारत लाएगा, जो कि 2011 के बाद 2023 में विश्व कप हिंदुस्तान फिर पुनः जीतेगा।